बता रहे हैं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की तरफ से माफी मांगी गई, हिंदू विरोधी शपथ के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, मैं सभी की इज्जत करता हूं, राजेंद्र की तरफ से ये बात कही गई है। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि यू टर्न ले रहे हैं राजेंद्र गौतम। जो बयान पहले दिया गया था, अब उस बयान से तर दूसरा बयान कि मैं हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, हिंदू धर्म की इज्जत करता हूं। अब जब किरकिरी हुई, सवाल उठे, पोस्टर्स लग गए गुजरात में, विरोध तेजी के साथ आगे बढ़ा, बर्खास्तगी की मांग हुई, तो मंत्री राजेंद्र गौतम की तरफ से माफी मांगी गई है। मैं सभी देवताओं का सम्मान करता हूं, राजेंद्र गौतम ये बात कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म की, सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। राजेंद्र गौतम को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो रही है। 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसकी तस्वीरें सामने आई, उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद लगातार चौतरफा जब घिरे राजेंद्र गौतम, तो अब माफी मांगी है, सफाई दे रहे हैं राजेंद्र गौतम अपने बयान पर। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नवीन निशान जुड़ गए हमारे साथ। नवीन निशान, पहले कुछ और अब कुछ और, यू टर्न क्या? चौतरफा जब घिर गए, दिखा कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पद जा सकता है, अब माफी मांगी है राजेंद्र गौतम ने। बिल्कुल, देखिए बता दें कि कल देर रात राजेंद्र पाल गौतम ने एक बयान जारी किया और उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे हिंदू धर्म में किसी की भावनाएं आहत हों। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी जो उनके वीडियोज हैं उनका दुष्प्रचार कर रही है, और उन्होंने वैसे सभी लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि मैं सभी वैसे लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें बीजेपी के दुष्प्रचार के कारण उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम का ये साफ कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बयान नहीं दी है जिससे किसी धर्म की भावनाएं आहत हुई, किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया है। तो उनका बयान सामने आ चुका है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो राजेंद्र पाल गौतम से काफी नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये खबर मीडिया में लीक हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे अपनी नाराजगी जता चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जो संगठन है उससे लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वो इस कार्यक्रम के संयोजक भी थे। और उनसे जब कल हमने बात की थी तो उनका साफ कहना था कि इस कार्यक्रम में जो लोग स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे, उन्हें जो 22 धर्म की बात की जाती है, जो बौद्ध धर्म में जिसका जिक्र है, उसकी प्रतिज्ञा दिलाई गई थी। उन्होंने किसी भी धर्म के बारे में दुष्प्रचार नहीं किया है, किसी भी धर्म के जो देवी देवता हैं उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है। जो प्रतिज्ञा धर्म में जिस बात का जिक्र है उसकी प्रतिज्ञा दिलाई गई थी। बहरहाल देर रात जो सफाई है, जो स्पष्टीकरण है राजेंद्र पाल गौतम की तरफ से, वो भी सामने आ चुका है। तो देखना होगा कि अब बीजेपी जो है वो इस पूरे मसले को लेकर उनका क्या कुछ रुख रखता है, क्योंकि कल से ही क्या इस बीजेपी के तमाम नेता हैं वो आक्रामक रूप अपना चुके हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो। और कह रहे हैं कि मैं इज्जत करता हूं सभी धर्मों की, देवताओं का, देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, वो उस कार्यक्रम में करने क्या गए थे? क्या आम आदमी पार्टी के किसी और लीडर से इस बाबत सवाल किए गए? बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम से कल भी ये सवाल किया गया था कि आप वहां पे क्यों मौजूद थे, क्योंकि आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके पास कई सारे मंत्रालय हैं, दिल्ली सरकार के आप चेहरा हैं। तो उनका साफ कहना था कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, बौद्ध धर्म में उनकी आस्था है, और वो उस कार्यक्रम में, क्योंकि उस कार्यक्रम के वो संयोजक थे जिस संगठन द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, पहाड़गंज के अंबेडकर मैदान में जो झंडे वाला मंदिर के पास स्थित है, वो उस कार्यक्रम के संयोजक थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो हर साल ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, हर साल ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया दिलाई जाती है, वहां धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं हुआ था। जो लोग स्वेच्छा से अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे, वहां वैसे लोगों को दीक्षा दिलाई गई। तो उनका इस पूरे मसले पे साफ कहना है कि उन्होंने किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत नहीं किए। ठीक है नवीन निशांत, आप नजर बना रखिएगा पूरे मामले पर, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।